नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं खर मास में क्या करें क्या न करें। खर मास के महीने में सभी प्रकार के मंगल कार्य जो हैं वर्जित हैं, मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। खर मास के महीने में विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस महीने में बेटी या बहू की कभी विदाई नहीं होती है। कभी भी खर मास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का शुभारंभ भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में गेहूं, चावल, सफ़ेद धान, मूंग, जौ, तिल, कटहल, आम, सौंठ, जीरा, आंवला, सुपारी, सेंधा, नमक, इस प्रकार का जो खान पान है नहीं करना चाहिए। इस समय किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। किसी देवता, गुरु, गाय, स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। खर मास में हमको कौन कौन से कार्य करने चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। खर मास में सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं। इस संक्रांति में सूर्य धनु राशि में रहेंगे। इस बीच सूर्य उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। खर मास में नए कार्य आरंभ क्यों नहीं किए जाते हैं? पहली बात तो है कि नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यावसायिक जो जीवन है, व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं, वो बीच में रुक जाते हैं या व्यवसाय में काफ़ी कर्जा हो जाता है, लोगों के बीच में धन फंस जाता है। इस प्रकार से जो खर मास है, खर मास में कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा व्यवसाय कोई भी शुरू नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज हमने आपको जानकारी दी कि खर मास में क्या करें क्या न करें, और यह जानकारी आपको कैसे लगी इसके लिए बारे में हमारा छोटा सा आपसे निवेदन है। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई मन में प्रश्न है, कोई शंका है, तुरंत हमसे संपर्क करें, ज़रूर हम उसका समाधान करेंगे और बहुत जल्दी आपके समक्ष हम नए वीडियोज़ को लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।